गीर सोमनाथ ना वेरावळ खाते सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में योजानार 16मा पदवीदान समारोह नु आयोजन करवामां आव्युं छे। आ समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत उपस्थित रहेशे। आ पदवीदान समारोह में कुल 797 विद्यार्थियों ने पदवी प्रमाणपत्र आपवामां आवशे। उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम मेळवनार 27 विद्यार्थियों ने सुवर्ण चंद्रक थी सम्मानित करवामां आवशे। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के ओर से 16वां पदवीदान समारोह हम आयोजित करने जा रहे हैं, जो माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के अध्यक्षता में आयोजित होगी 15 तारीख को दोपहर हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में। किसी भी विश्वविद्यालय का जो फलश्रुति होती है रिजल्ट, वो विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने से ही पता चलता है, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो पदवी प्रदान करना ये एक परिचय कार्यक्रम है जिसको लेकर विद्यार्थियों का जीवन और जीविका उस पर ही आगे फिर चलता रहता है। हमारे विश्वविद्यालय का इस 16वां पदवीदान समारोह में कुल इस वर्ष हम लोग 797 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने जा रहे हैं, जिसमें शास्त्री, आचार्य, MA, MPhil और शोध PhD डिग्रियाँ भी शामिल हैं। उसके साथ साथ PGDCA के भी कुछ विद्यार्थी जो हमारे विश्वविद्यालय कोर्स से कर रहे हैं उनको भी पदवी प्रदान की जाएगी। और कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कुछ विद्वानों को भी सम्मानित किया जाता है, विशेष सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष हम लोग ने श्रीमती सरस्वती बेन जयंतीलाल भट्ट संस्कृत विद्वान 2024 का पुरस्कार के लिए एक विद्वान को चुना है, जिसका पुरस्कार और सम्मान दोनों माननीय राज्यपाल जी श्री के हाथ से मंच पर दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा गुणांक प्राप्त करके अपने डिग्री में जो क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं उनको गोल्ड मेडल भी मिलता है। इस साल हम लोग 27 बच्चों को गोल्ड मेडल दे रहे हैं। तो ये सब जो है एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है, अभिप्रेरण कार्यक्रम है, जो ये ही अभिप्रेरण उनके भावी जीवन के पाथे बनेगा, इसको लेकर वो अपना अग्रिम करियर में वो लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए हर विश्वविद्यालय का एक विशेष पहचान होता है पदवी प्रदान करना, जिसको लेकर अपने जीविका में भी विद्यार्थी लोग लग जाते हैं। और केवल जीविका प्राप्त करना इस विश्वविद्यालय का डिग्री का महत्व प्रयोजन नहीं है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय ज्ञान परंपरा का और उत्तम नागरिक निर्माण करने का जो शिक्षा है वो इस विश्वविद्यालय से मिलता है। तो हमारा विश्वविद्यालय इसी कार्य पर अग्रसर है, इसी को ही आदर्श के रूप में समाज में वितरित कर रहा है और इससे बहुत सारे विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष लाभान्वित होते हैं।